हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज दिवाली एंड आज का दिवाली ब्लॉग मैं कवर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल, जो भी मैं करने वाली हूँ वो सब। सो गाइस, मेरे प्रीवियस दो ब्लॉग तो आपने देख ही लिए होंगे, धनतेरस के और उसके बाद शॉपिंग ब्लॉग जो था वो। सो गाइस, आज फाइनली मैं दिवाली ब्लॉग कवर कर रही हूँ, जो भी मैं सेलिब्रेशन करने वाली हूँ वो सब। एंड गाइस, बने रहे मेरे ब्लॉग में बिना स्किप किए, देखे मेरा दिवाली ब्लॉग, दिवाली फर्स्ट फेस्टिवल आफ्टर मैरिज विद माय हस्बैंड। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी मेरी ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ दिवाली पे। दिवाली तब तक खत्म हो जाएगी जब तक ये ब्लॉग आएगा, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है दिवाली का, तो आप जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस दिवाली मेरे को। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। दिवाली सुबह सुबह जो मेरी दिवाली हुई है वो हुई है मेरी ड्रेस से, मेरी ड्रेस आ चुकी है। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ड्रेस, चलो। सो गाइज, ये वाला कुर्ता लाई थी मैं रिक्की के लिए, और मेरी ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली। चलो अंदर देखते हैं इसको। सो गाइस, ये फिटिंग के लिए गई थी तो वहाँ से आ गई है ये, तो मैं दिखाती हूँ आपको फिटिंग। एज यू कैन सी, ये इसका ब्लाउज है, ये इसका ब्लाउज है पूरा, स्वीट हार्ट कट में है, बैक से ये ऐसे बांधने के लिए दे रखा है। पूरा ब्लाउज है वो स्वीट हार्टली, मतलब बहुत ही सेक्सी ब्लाउज है इस तरीके से है। ये इसका फ्रंट है। उसके बाद मैं जो लेके आई थी वो मैं लेके आई थी साड़ी वाला लुक लेके आई थी, लेकिन प्लाजो भी है वो, मतलब ये जो चीज़ है ये प्लाजो है, ये आप देख रहे हैं, और इसमें साड़ी का ये लुक दे रखा है, ये प्लेट्स दे रखी हैं, और उसके बाद ये उसकी चुन्नी है, मतलब साड़ी जैसा लुक जो होता है ऐसे समथिंग लाइक, तो ऐसा इसमें दे रखा है। तो ये जब मैं वियर करूँगी तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में है क्या। उसके बाद मुझे इसके साथ आई थी एक बेल्ट बांधने के लिए, चुन्नी को कवर करने के लिए, तो वो भी है। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी, बाकी इस ड्रेस को मैं पहन के दिखाऊंगी आपको इवनिंग में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अब आगे। अभी तो मुझे साफ़ सफाई करनी है और थोड़ी सी फिटिंग मेरी रह गई थी ड्रेस की, तो वो भी मैं कवर करने वाली हूँ। एंड उसके बाद फिर देखते हैं, जैसे मतलब माहौल बनेगा वैसे मैं कवर करूँगी इसके बाद। तो स्टे ट्यून विद अस, बिना स्किप किए इस ब्लॉग को देखें, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स होने वाले हैं। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि मेरी पहली दिवाली है तो कुछ इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। सो गाइज बने रहे। सो गाइज, मैंने जब ये नेल लगवाए थे ये वाले, तो इसमें से एक नेल मेरा गायब हो चुका है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सिमिलर नेल पेंट लेके आई थी, पता नहीं वो मैच करेगी कि नहीं ये वाली। तो ये है कलर बार की, इसको ट्राई करते हैं। सो गाइज, मेरे सारे नेल्स हैं, सिर्फ ये वाला नहीं है, ये वाला, बाकी सारे हैं। तो इसके लिए मैं नेल पेंट लाई थी टेम्प्रेरी, मतलब काम के लिए, तो ये यही कलर है जो मेरे नेल्स में लगा हुआ है, तो इस वाले नेल में लगा के देखते हैं। यस गाइज, ये सेम कलर है, आप देख सकते हैं, सिर्फ इसका जो पैटर्न इन लोगों ने जो दिया हुआ है शाइनिंग वाला वो नहीं है, ये प्लेन है, लेकिन हाँ ये है कि मैच हो रहा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है नेल्स में, तो चल जाएगा ये भी। सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू मार्केट फॉर चेंजिंग ड्रेस, तो मिलते हैं आपको मार्केट में। सो गाइज, हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग पे, कुछ शॉपिंग रह गई थी, कुछ मंदिर का सामान रह गया था, और कुछ ड्रेस का हमें थोड़ा सा फिटिंग का इशू हो रहा था, तो इसके लिए भी जा रहे हैं चेंज कराने के लिए। तो इसके आगे मैं फिर देखती हूँ कि क्या डेकोरेशन रहेगी, क्योंकि मुझे अभी रंगोली वगैरह भी बनानी है। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले ड्रेस चेंज करा लेते हैं। सो गाइस, हमारा आगे स्टॉप यही मार्केट है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था दिवाली का, तो यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ से कराऊँ।
सो मैंने ले लिया सारा सामान, पूजा का सामान जितना चाहिए था मुझे वो सब। सो गाइज ये जा रहे हैं फ्रूट्स लेने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मंदिर में फ्रूट्स लगेंगे इसके लिए मैंने इनको भेजा हुआ है। हमारे घर के पास की ही मार्केट है ये, तो बाकी मैंने जो सामान था वो रख लिया है, मिठाई वगैरह सब ले लिया है, नारियल ले लिया है। तो गाइज हम 5 मिनट में पहुँच रहे हैं घर पर, उसके बाद मुझे बहुत सारा डेकोरेशन भी करना है, तो चलो मिलते हैं आप घर पर हम आपको। सो रिकी लाया था ये वाला कुर्ता, तो ये वाला कुर्ता काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था, इसका कलर है नेवी ब्लू। सो गाइज आई टेकन शावर एंड नाउ मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है फॉर द दिवाली पर्पज़ इन मॉर्निंग, एंड अब हम देखेंगे रंगोली कैसे बनती है मेरी, तो चलो चलते हैं और रंगोली बनाते हैं इसके बाद। सो गाइज अब बात आती है दिया की, तो मेरा मंदिर है ये छोटा सा क्यूट सा, तो यहाँ पर मैं जला रही हूँ अभी दिया, इसके बाद चलो चलते हैं और बनाते हैं रंगोली। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं रंगोली। मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने कार्डबोर्ड देखा था, इसी पे रंगोली मुझे बनानी थी, मेरी फर्स्ट रंगोली है तो मुझे उतना आता नहीं है फिनिशिंग में, तो जैसा भी बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये पूरा ब्लॉग देखें, इसमें आपको दिख जाएगा कि मैंने कैसे कलर कैसे फिलअप किए हैं। तो रेडी होगी कार्डबोर्ड रंगोली, इसके आगे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सो गाइज बन चुकी है मेरी रंगोली, कमेंट करके बताओ आपको ये रंगोली कैसी लगी, बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल वे में मैंने इसको बनाया है, तो गाइज आपका कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब लगा रही हूँ मैं मेरा मंदिर, तो मेरा मंदिर आप देखें कैसे मैं डेकोरेट करती हूँ, तो उसके लिए मैंने जो जो सामान लेके आई थी वो सारा मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के आपको कैसे मंदिर सेटअप करना है। Thank you.
सो मंदिर हो गया रेडी, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब पूजा। सो गाइज़ मैं रेडी हो गई हूँ दिवाली के लिए, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपनी पूजा। सो गाइज़ मैं लेके आई थी 11 दिए, जैसे कि पूजा में होता है, तो ये 11 दिए मैंने इन सतियों के ऊपर रख दिए। मैंने 11 सतिये बनाए थे 11 दियों के साथ। सो गाइज़ ये सारे दिए मैं इस पर रख रही हूँ, तो इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं हम इसकी पूजा आज की दिवाली की। चलाऊंगी ना वो लगाना, पत्ता लगाओ ना। अब हम जा रहे हैं पटाखे फोड़ने के लिए, तो उससे पहले हम जा रहे हैं पटाखे लेने के लिए। हमारे पास पटाखे कम हैं। सो गाइस APMC में लगी थी बहुत बड़ी मार्केट पटाखों की, तो हम वहीं जा रहे थे पटाखे लेने के लिए, तो चलो चलते हैं वहीं पे। सो गाइज APMC में लगातार सारी स्टॉल्स लगी हैं बम पटाखों की, तो यहाँ पे सारे पटाखे मिल रहे हैं, तो हम लोग यहीं आए थे पटाखे लेने के लिए। तो देखते हैं अभी क्या क्या लेते हैं और क्या मिलता है। रोशनी के साथ हर तरफ रंग बिरंगे फूलों से शानदार सजावट की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से अलौकिक श्री हरमंदिर साहिब की खूबसूरत छटा देखते ही सो गाइस हमने ले लिए पटाखे, तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी के घर पे, उसके बाद फिर हम एंड में पटाखे फोड़ेंगे। मम्मी तो पीछे हैं। हाँ? तुमने देखा नहीं? नहीं, चालू है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वैसे बेटा दूसरा सदा सुबह करता हूँ, मेरा बच्चा हमारी हमेशा जोड़ी बने। मैं पंडू भैया को मैं बोल रही थी आपके लिए। अरे मैं बोल रही थी मन भैया तो पंडू भैया ने दाढ़ी कम पर निकाल दी है, अभी अच्छा लग रहा हूँ ना पंडू भैया। अरे शादी में निकाल दी तो कैसे तैयार हो? नानी क्या जा क्या रही? नानी क्या मिठाई देखा। सो गाइज इसके बाद हम गए थे तुर पे नानी के घर पे, तो वहाँ से अभी हम लोग जाएंगे घर की तरफ पटाखे फोड़ने के लिए। अभी हमने पटाखे अपने नहीं फोड़े हैं, तो वो बचा हुआ है बाकी है। सो गाइज हम आए थे नानी के घर पे, नानी के घर पे बनी थी बहुत ज़्यादा प्यारी रंगोली जिसने भी बनाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ उसकी।
सो गाइस ये थी हैप्पी दिवाली की रंगोली, बहुत ब्यूटीफुल लगी मुझे। तो चलो चलते हैं नानी के घर पे। सो गाइस मैंने ये वाला कैप्चर नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ मैं भूल गई थी इसके बाद कैप्चर करना, तो मैंने नहीं किया है। तो इसके बाद मैं आगे कैप्चर करने वाली हूँ मेरी पटाखों की वीडियो। छाप बोलते हैं इसको सच्ची में, तुम लोगों को नाम ही नहीं पता पटाखों को लागे। बैठे बैठे क्या करे, अब करना है कुछ काम। अरे म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके 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 प्रभु का नाम, लेके प्रभु का नाम, नाम नाम नाम। है ये तो अलग ही कुछ नहीं, पर ये स्काई शॉट नहीं है, देख के ही पता चल गया उसने उल्लू बना। क्या था ये? ला 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 ला। पूरा धुआं धुआं कर रही हो। एक दो और दो ना, ठीक है। चला दो ना सारी, फोकट की आई थी ना ये, इसलिए उसने फोकट में दे दी, बम बेकार दिए। गाइस हमारे बम पटाखे सब फूट चुके हैं, अब हम जा रहे हैं टाइगर 3 देखने, जो कि हमारा शो था 11:25 का, अभी बज रहे हैं 11:10। अभी
अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे मूवी देखने और मैं आपको रिव्यू दूंगी इस मूवी का कि मूवी कैसी है। डे वन शो, फर्स्ट शो नहीं है, लास्ट शो है डे वन का। तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरी ड्रेस आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताना, विक्की की ड्रेस कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। वैसे तो हम लोग मैचिंग कर रहे हैं, शाइनिंग। यो ऐसे जाते हैं टाइगर 3 की मूवी देखने। दिवाली समाप्त, खत्म हो चुकी है। मैंने कपड़े भी बदल लिए हैं, मैं लेकिन मैंने नए कपड़े ही पहने हैं पर चेंज कर लिए हैं। रात को आएंगे 3 बजे, जगे रहना। आज नो बहाना देखने जाना टाइगर 3। स्टार्ट है, मैं कह रही हूँ टाइगर 3 हो गया इंटरवल। तो हमें लगी कि बहुत जोर से भूख, हमने मंगाया व्हाइट सॉस पास्ता और सैंडविच जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें खाने में, मज़ा आ गया। आज तो रात बन गई। टाइगर 3 एंड द मूवी वॉज रियली रियली नाइस, आई थिंक ऑसम। उसका पार्ट 4 भी आएगा। उसका जो पार्ट 3 था उसमें स्टोरी बता दूंगी तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा देखने में, तो आप जाके देखें। मुझे बहुत अच्छी लगी और अभी बॉलीवुड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, उसमें कुछ हॉलीवुड जो मूवीज़ होती हैं उसके एक्शंस ये सब चल रहे हैं, तो पूरी एक्शन मूवी थी और इसमें एक भी सॉन्ग नहीं है मूवी में, तो मुझे अच्छा लगा वो भी, विच इज़ गुड। सो गाइज, वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं मेरे।